नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, ये आज हमारा रेट एनालिसिस सीरीज का तीसरा वीडियो है। आज हम देखेंगे रेइनफोर्समेंट स्टील का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। रेइनफोर्समेंट स्टील में जैसे कटिंग, बेंडिंग, फिक्सिंग, ये पूरा इसमें कवर होता है। तो इसमें कितना बाइंडिंग वायर लगता है, कटिंग बेंडिंग मशीन के चार्जेस कितने होते हैं, उसके बाद स्टील शिफ्टिंग का कितना चार्जेस होते हैं। इसमें हमने स्टील का जो रेट है वो रेफरेंस के लिए लिया है, ये पुराना रेट है। आप करंट रेट देख के रेट एनालिसिस कर सकते हो, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रेट लिया है। तो चलिए देखते हैं रेट एनालिसिस ऑफ रेइनफोर्समेंट स्टील। आज हम रेट एनालिसिस ऑफ स्टील के बारे में बात करेंगे। अभी इसमें आपके सामने एक टेबल दिया है, स्टील का रेट एनालिसिस करते करते कैसे करते हैं उसका एक टेबल दिया, उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। इसमें टोटल रेइनफोर्समेंट क्वांटिटी मेट्रिक टन 1000 पकड़ा है, रेइनफोर्समेंट टीएमटी या एफई 500 वाई एचवाईएसडी जो भी है मेट्रिक टन, रेट हमने 50,000 पकड़ा है। मार्केट रेट्स विद टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमने एक रेफरेंस के लिए सेल और टाटा स्टील के कोटेशन लिए, 50,000 सेल का, 52,000 टाटा स्टील का, ये सब रेफरेंस के लिए है। ये रेट टाइम टू टाइम हिसाब से वेरी, लोकेशन और टाइम के हिसाब से वेरी होते हैं। ये सेल और टाटा स्टील के रेट दिए हैं। बाइंडिंग वायर हमने 65 रुपये के जी कंसिडर किया है। अब ये टेबल देखिए, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। रेइनफोर्समेंट स्टील 1 मेट्रिक टन में 50,000 रेट है, 50,000। वेस्टेज हमने 3% कंसिडर किया है तो 1500 रुपये, जनरली 3% ही कंसिडर करते हैं एज पर IAS वगैरह इंडियन स्टैंडर्ड्स। बाइंडिंग वायर उनको 10 kg पकड़ा है पर मेट्रिक टन, तो 65 रुपये हिसाब से 650। लेबर फॉर कटिंग बेंडिंग एंड प्लेसिंग हमने 5,500 मार्केट रेट के हिसाब से दिया है, फिर भी टेंटेटिव आपको दिया है। एक बेड 2 हेल्पर इनका हाजिरी है और अप्रोक्सीमेटली 250 मीट्रिक टन काम करता है, तो उनका हाजिरी के हिसाब से 1400 हो गया। तो फिटर हेल्पर कितना, 2400 बच्चे 5600 हो गया, तो 1 मेट्रिक टन को 5600 इधर आ गया। हमने 5,500 करंट मार्केट रेट के हिसाब से रेट पकड़ा, लेबर रेट पकड़ा है, करंट लेबर रेट। इसके बाद कॉन्क्रीट पीवीसी ब्लॉक 100 पीवीसी होने की वजह से 100 पकड़ा है, अगर कॉन्क्रीट ब्लॉक है तो उसका 50 रुपये तक आता है। इसके बाद प्लान मशीनरी जो रहती है कटिंग बेंडिंग मशीन, उसका हमने 1840 रुपये आ गया। ये नीचे कैसे निकाला इसका हम नीचे बताता हूँ। और इसमें इंटरनल ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस 150 रुपये पकड़ा है, तो ये 150 आ गया। अभी हम कटिंग और बेंडिंग मशीन का चार्जेस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। टोटल रेइनफोर्समेंट क्वांटिटी 1000 मेट्रिक टन है, 24 महीना में काम करना है, तो प्रोडक्टिविटी कितना आ गया, तो इसमें देखिए आप D7 मतलब ये 1000 / 24 मतलब 42 पर मंथ आ गया। तो ये कितना आ गया, पर मशीन कितना आ गया, 3.5 मेट्रिक टन एक दिन में मशीन काम करता है, तो एक महीने एक का 26 दिन है, तो एक महीने कितना आ गया, 91 मेट्रिक टन आ गया। तो टोटल मशीन कितना लगेगा अपने को, तो 33% मतलब ये देखिए D29 मतलब 42 × 1.3/D30, तो 30% हम प्रोडक्टिविटी एक्स्ट्रा कंसिडर करके एक भी मशीन लगता है। तो बार बेंडिंग मशीन के चार्जेस इधर 2 लाख है, इधर कटिंग शेयरिंग मशीन के चार्जेस 2 लाख है। इसके बाद हम ट्रैक्टर का शिफ्टिंग का 35,000 है, डिप्रिसिएशन हमने इधर 40% 40%, और ये ट्रैक्टर का 24 महीने का पकड़ा है, भाड़ा पकड़ा है, तो टोटल इधर कॉस्ट आ गया अपना 18,40,000 मतलब 1/1000 किया तो 1840 रुपये, वही 1840 रुपये इधर ऐड किया है, तो इसके हिसाब से ये रेट आ गया 59,740 रुपये पर मेट्रिक टन। और केजी में देखेंगे तो 59 रुपये 74 रुपये पर मेट्रिक टन, इसके हिसाब से हम स्टील का रेट निकाल सकते हैं। इसमें एक ध्यान में रखना है, वेस्टेज जो भी रहता है 3% वो ऐड करना है, और अगर कहीं लैब्स चेयर्स वगैरह है पेबल है तो उसको कंसिडर करना है, और इसके साथ ही बाइंडिंग वायर जो भी है उसको भी कंसिडर करना है, और कटिंग बाइंडिंग मशीन के चार्जेस, ये सब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, तो स्टील का रेट एनालिसिस करना आपको ईजी जाएगा। कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो कॉमेंट कीजिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा रेइनफोर्समेंट स्टील का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, और इसमें बेंडिंग वायर कितना है, कटिंग बेंडिंग मशीन कितना है, लेबर चार्जेस कितना है, तो इस हिसाब से स्टील का हम लोग
टोटल कटिंग बेंडिंग फिक्सिंग का कॉस्ट निकालते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।